अब फिल्म की शुरुआत में हमें हरे भरे मैदान दिखाए जाते हैं, जिसके पास एक जंगल में कैथरीन और फ्रेनोकोइस किसी से बचकर भाग रहे होते हैं। और उनकी हालत देखकर लग रहा था कि वो बहुत देर से भाग रहे हैं, जिस कारण वो काफी थके हुए थे। वहीं थकान के कारण फ्रेनोकोइस अपनी तलवार जंगल में ही छोड़ देता है, जबकि कैथरीन एक बैग को वहीं पर फेंक कर आगे भाग जाती है। दरअसल इस बैग में सोने के सिक्के होते हैं। पर तभी फ्रेनोकोइस को इस जंगल के बाहर खुले मैदान में कुछ दूर पर एक पत्थर दिखाई देता है और वो दोनों उस पत्थर की ओर भागने लगते हैं। पर इससे पहले कि वो लोग वहां तक पहुंच पाते, फ्रेनोकोइस को कोई जीव जान से मार देता है, जो देखकर कैथरीन अपनी जान बचाने के लिए पत्थर की तरफ भागती है। पर आखिर में उसे भी वो जीव जंगल की ओर खींच कर ले जाता है और ये सीन उसी पत्थर पर जूम करते हुए कट हो जाता है। अब अगले सीन में हम एक मिनी ट्रक पर चार दोस्त नेम सोफी, डेविड, जेनी और बेन को देखते हैं, जो आयरलैंड के गांव में घूमने के लिए आए होते हैं। और थोड़ी देर बाद ट्रक का ड्राइवर उन्हें उसी मैदान तक ले जाता है जहां वही पत्थर होता है। अब यहां पहुंचकर ट्रक ड्राइवर कहता है कि मैं इससे आगे नहीं जा सकता, जिसके बाद वो उन्हें गाँव का रास्ता बताकर चला जाता है। अब ये बात इन चारों को थोड़ी अजीब लगती है कि आखिर ड्राइवर इस पत्थर के आगे क्यों नहीं जा पाया, पर वो लोग इसे ज्यादा सीरियसली नहीं लेते। वहीं सोफी, जिसे इतिहास में बहुत रुचि है, वो उस पत्थर पर बने निशानों को देखने लगती है, जिसके बाद वो सभी पैदल ही वहां से आगे बढ़ जाते हैं। अब अगले सीन में हम उन चारों को गांव के एक बार में देखते हैं, जहां उनकी मुलाकात हमीश नाम के एक शख्स से होती है। हमीश उन्हें बताता है कि हमारे गांव में कुछ दूर पर एक प्राचीन जगह है, जो आपको टूर गाइड में भी नहीं मिलेगी, जिस पर सोफी उस जगह को देखने की इच्छा जाहिर करती है। और इसीलिए हमीश बताता है कि वहां तक पहुंचने में 7 घंटे लगेंगे, क्योंकि वहां पर गाड़ी से नहीं जाया जा सकता, इसलिए मैं कुछ दूर पर मौजूद अपना केबिन किराए पर दे दूंगा, जहां रात बिताने के बाद आप सभी सुबह के समय पैदल ही अपना सफर शुरू कर सकते हैं। अब इसके बाद वो अपने बेटे सियान को बुलाता है, जिसकी गाड़ी से वो सभी पास के ही केबिन तक जाते हैं। और तभी पास के मैदान में कुछ आवाज आती है, जिस पर हमीश आवाज की दिशा में 2-3 गोली चलाता है, जो देखकर वो सभी पूछते हैं कि वहाँ क्या था, जिस पर हमीश बताता है कि यहाँ आसपास बहुत से जंगली सुअर है, पर उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। और ऐसा कहकर वो उन्हें उनके केबिन दिखाता है, जिसके बाद वो अपने बेटे के साथ वहाँ से चला जाता है। लेकिन जाने से पहले उसने केबिन के बाहर अपनी सोने की घड़ी लटका दी थी, और वो ऐसा क्यों था ये हमें आगे पता चलेगा। फिर हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ ये चारों दोस्त सो रहे होते हैं, और तभी अचानक जेनी को केबिन के बाहर से कुछ आवाजें आती है, इसलिए चेक करने के लिए वो खिड़की से बाहर देखती है। और तभी खिड़की के सामने से कुछ तो गुजरता है, जो देखकर वो बुरी तरह से डर जाती है, इसलिए वो सबको आवाज लगा के वहां बुलाती है। वो उन्हें खबर करती कि बाहर कोई तो खतरनाक जीव है, पर ये सुनकर डेविड हंसने लगता है। वो दावा करता है कि ये तुम्हारी इमेजिनेशन है, लेकिन जेनी अपनी बात पर अड़ी रहती है। इस पर फिर डेविड कहता है कि मैं बाहर चेक करके आता हूँ, और ऐसा कहकर वो केबिन का दरवाजा खोलने लगता है, पर वो दरवाजा नहीं खुलता, क्योंकि इस दरवाजे को बाहर से बंद किया गया था। अब ये पता चलते ही कि हमीश ने उन्हें इस केबिन में कैद कर दिया है। वो सभी गुस्से में हर खिड़की दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी कोशिश बेकार जाती है। वहीं जेनी, जो अब डरी हुई थी, वो चिमनी के पास जाकर बैठ जाती है, और तभी चिमनी के अंदर से एक हाथ बाहर आता है, जो जेनी के कान से उसकी इयररिंग खींच कर ले जाता है, जिस कारण जेनी के कान से खून बहने लगता है। अब ये देखकर सभी बहुत डर जाते हैं, जिसके बाद उस चिमनी से वो जीव निकलता है, जिससे बचने के लिए चारों खुद को एक कमरे में बंद कर लेते हैं। इधर वो जीव अपनी पूरी ताकत से उस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था, जिस पर ये सभी उस जीव को इस कमरे में बंद करके चिमनी से होते हुए बाहर निकल आते हैं। लेकिन इस सब में डेविड, जो सबसे पीछे था, उसके पैर को वो जीव बुरी तरह से घायल कर देता है। वहीं अब ये चारों अपनी जान बचाने के लिए सड़क से होकर पास ही मौजूद दूसरे केबिन में जाने लगते हैं,
जबकि वो जीव चिमनी का दरवाजा तोड़कर उनका पीछा करने लगता है, जो देखकर वो सभी और भी तेज भागने लगते हैं। लेकिन डेविड का पैर घायल होने के कारण वो पीछे रह जाता है। तब सोफी, जिसने एक लैंटर्न ली हुई थी, वो उसे उस जीव के सामने फेंकती है, जिस कारण वो जीव पीछे चला जाता है। जिसका मतलब ये है कि वो आग से डरता है, और इसी मौके का फायदा उठाकर वो सभी पास के केबिन तक पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचकर बेन उसके दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है, जिसमें दरवाजा तो नहीं टूटता, लेकिन उस दरवाजे के ऊपर रखी केबिन नीचे गिर जाती है। और अब इस चाबी की मदद से बेन दरवाजे को खोलकर बाकियों के साथ अंदर प्रवेश कर जाता है। अब इस केबिन में एक बेसमेंट था, जहां बहुत सा सामान रखा हुआ था, जो देखकर सोफी समझ जाती है कि ये सामान भी टूरिस्ट का है, यानी कि हम इस टूरिस्ट को इस जगह पर लाकर उस जीव के द्वारा मरवा दिया करता था। पर वो ऐसा क्यों करता था, ये हमें आगे पता चलेगा। अब यहाँ बेसमेंट में बाकी सामान के साथ एक किताब भी रखी होती है, जिसमें वैसे ही सिंबल्स बने थे जो गांव के बाहर मौजूद पत्थर पे भी थी। तब सोफी उस किताब को पढ़कर बाकियों को बताती है कि हमारे पीछे लेप्रोकॉन पड़ा है, जो एक गुफा में रहा करता था, लेकिन इस गांव के लोगों ने उस गुफा को गोल्ड माइन की तरह प्रयोग किया और वहां से सोना निकालने लगे, जबकि वो सोना लेप्रोकॉन का था। अब क्योंकि गांव वालों ने उसका सोना ले लिया, उन्होंने उसके साथ एक सौदा किया, जिसके तहत वो हर साल उसे कुछ कुर्बानियां देंगे। अब इस बार पर डेविड कहता है कि उस हमीस ने हमें कुर्बानी के लिए यहाँ फंसाया है। वहीं सोफी ये भी बताती है कि लेप्रोकॉन सिर्फ एक सीमित दायरे तक ही जा सकता है, जिससे उसे ये चमकता है कि वो पत्थर ही उसका दायरा है, यानी कि लेप्रोकॉन उस पत्थर के आगे नहीं जा सकता। और यही कारण था कि उस ट्रक ड्राइवर ने इन चारों को पत्थर के आगे नहीं छोड़ा। उधर दूसरी तरफ हमीस, सियान और हमीस का दोस्त इयान ये सोचकर पहले वाले केबिन में जाते हैं कि अब तक वो चारों मर चुके होंगे, लेकिन उस केबिन में उन्हें कोई लाश नहीं मिलती, जिससे वो समझ जाते कि चारों टूरिस्ट बचकर भाग निकले हैं। वहीं सियान इस बात से बहुत खुश होता है, जिससे हम समझ पाते कि वो किसी निर्दोष की जान नहीं लेना चाहता, जबकि उसका पिता हमीस उन चारों की तलाश में निकल पड़ता है, जहाँ वो पास ही एक केबिन की लाइट्स को जलाकर देखता है और समझ जाता है कि चारों टूरिस्ट इसी केबिन में है, इसलिए वो अपनी चाबी से उसके दरवाजे को खोलकर अंदर प्रवेश करता है। उसके साथ साथ ईएन और सीएन भी अंदर आते हैं, और इधर इन चारों को भी हमीस के आने का पता चल जाता है, इसलिए वो चारों आसपास पड़े हुए हथियार उठा लेते हैं। और तभी उन्हें ढूंढता हुआ सीएन वहाँ आता है, पर वो उन पर गोली नहीं चलाता। और अब सीएन के पीछे उसका पिता भी वहाँ आता है, जबकि उसी समय ऊपर गोली चलने की आवाज आती है, जिससे हम समझ पाते कि लेप्रोकॉन ने ईएन पर हमला किया होगा, जिसके जवाब में ईएन ने उसे गोली मारी। तब हम इस सीएन से उन चारों पर नजर रखने को कहकर खुद ईएन के पीछे जाता है, जहाँ थोड़ी दूर पर ईएन घायल हालत में मिलता है। और तभी ईएन हमीस को पीछे मुड़ने को कहता है, क्योंकि उसके पीछे लेप्रोकॉन होता है, पर हमीस लेप्रोकॉन से बचकर वहाँ से भाग निकलता है और ईएन बेचारा लेप्रोकॉन के हाथों मारा जाता है। वहीं इस तरफ वो चारों बेसमेंट से ऊपर आते हैं, जहाँ सीएन उन्हें आगे जाने देता है, और अब वो सभी भागकर सड़क तक आ जाते हैं, जहाँ डेविड घायल होने के कारण अब चल नहीं पाता। और तभी उन्हें सामने से एक कार आते हुए दिखाई देती है, जिसमें एक बुजुर्ग महिला थी। वो महिला उन सबकी मदद करते हुए उन्हें वहां से ले जाती है, लेकिन कुछ ही देर में हमें पता चलता है कि वो भी हमीश के साथ ही मिली हुई है। वो अब उन चारों को ही हमीश के हवाले कर देती है, जहां हमीश बंदूक की नोक पर उन सभी को पेड़ से बांध कर सीएन और उस महिला को लेकर चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वहां लेप्रोकॉन आता है, जो जेनी की जीभ में लगा सोना उखाड़ लेता है, जिससे उसकी जीभ पूरी तरह से कट जाती है। अब यहाँ हम समझ पाते कि उसे सोने से बहुत प्यार है, इसलिए उसने जेनी के सोने की इयररिंग्स को भी उसके कान से उखाड़ लिया था। अब इसके तुरंत बाद वो डेविड पर हमला करता है, जिसमें डेविड मरता तो नहीं पर बुरी तरह घायल हो जाता है। वहीं इस हमले के कारण डेविड की रस्सियां भी खुल जाती है, इसलिए वो जेनी को भी आजाद करवाता है,
जू देख कर लेप्रोकॉन डेविड पर अब टूट पड़ता है, जबकि जेनी बेन और सोफी को भी आजाद करवा देती है और फिर वो तीनों वहाँ से भाग निकलते हैं। अब ये लोग उस पत्थर के पास जाने के बजाय कैबिन में जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अब डेविड की मौत का बदला लेने का फैसला कर लिया था। यहाँ सोफी जेनी को छत पर छुपने को कहकर खुद बेन के साथ चिमनी के पास हथियार लेकर खड़ी हो जाती है, जिससे लेप्रेकॉन के हाथ ही वो दोनों उसे मार सके। पर लेप्रेकॉन उनसे ज्यादा चालाक निकलता है, इसलिए वो छत पर छिपी हुई जेनी को उस चिमनी से नीचे फेंक देता है, जिस पर फिर ये लोग जल्दीबाजी में उसे लेप्रेकॉन समझकर कुल्हाड़ी से मार देते हैं। वहीं इस तरफ इन्होंने अपने दो दोस्तों को अब तक खो दिया था, जिस कारण सोफी की हिम्मत अब टूट जाती है और अब वो बेन के साथ पत्थर की तरफ जाने का फैसला करती है। अब बाहर जाने पर उन्हें यैन की गाड़ी दिखाई देती है, लेकिन उसकी चाबी वहाँ नहीं होती और तभी उन्हें यैन की लाश दिखती है, जिस पर सोफी उस लाश की जेब से चाबी लेने जाती है, जबकि बेन फ्लैट और जलाकर लेप्रोकॉन को खुद से और सोफी से दूर रखता है। पर लेप्रेकॉन फिर भी सावधानी से आगे बढ़ रहा होता है, इसलिए वो दोनों भागकर वापस से दूसरे केबिन में जाते हैं और उनके पीछे लेप्रेकॉन भी आता है, जो बेन की रीढ़ की हड्डी को उखाड़ कर उसे जान से ही मार देता है, जिसके बाद वो एटिक में छिपी हुई सोफी की तलाश में जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो उसे मार पाता, सीएन अपनी बंदूक से लेप्रेकॉन पर गोलियां चलाता है, जिससे सोफी को भागने का मौका मिल जाता है। पर नीचे हमीस होता है, जो सोफी को बंदूक की नोक पर रोक लेता है और तभी सीएन भी वहां आकर अपने पिता के ऊपर बंदूक तान देता है और इस तरह सोफी को भागने का एक और मौका मिल जाता है। उसे अब भागता देख हमीस अपने बेटे से लड़ पड़ता है, जिसमें सीएन उसे दूसरे कमरे में धक्का दे देता है, जिसी के साथ वहां लेप्रेकॉन भी आ जाता है, जो हमीस को जान से मार देता है। पर अब अपने पिता को मरता देख सीएन पूरी तरह से टूट जाता है और वो वहीं बैठकर पछतावे में रोने लगता है। दूसरी तरफ हम सोफी को देखते हैं, जो यैन की गाड़ी को स्टार्ट करके जंगल से निकलने की कोशिश में थी, पर उस गाड़ी के ऊपर लेप्रेकॉन आकर बैठ जाता है। इस पर फिर सोफी ब्रेक लगाकर उसे गिरा देती है, लेकिन अब वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, इसलिए अब वो गाड़ी से उतरकर भागने लगती है। वहीं लेप्रेकॉन भी उसका पीछा करने लगता है और इस सब में सुबह हो जाती है और अब सोफी उसी जगह पहुंच चुकी थी जहां कैथरीन का सोने से भरा बैग पड़ा होता है और पास ही फ्रेंकोइस की तलवार भी होती है। इस पर सोफी कुछ सोने के सिक्के लेप्रेकॉन की तरफ उछालती है, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर सोफी उस तलवार से लेप्रेकॉन का सिर उसके धड़ से अलग कर देती है। अब मूवी के आखिरी सीन में हम उसे उस पत्थर से आगे जाते हुए देखते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर हम मूवी की बात करें तो ये मूवी काफ़ी अच्छी है, जो अपने पीछे सिर्फ एक सवाल छोड़ती है कि आखिर सीएन का हुआ क्या होगा। तो इसका जवाब यही है कि हमीस को मारने के बाद लेप्रेकॉन ने सीएन को भी जान से मार दिया होगा और इसीलिए सोफी को इतना समय मिल पाया कि वो गाड़ी लेकर आगे तक जा पाई। वहीं अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक मेरी मेहनत को सफलता देता है। और अगर आपको सीरीज में भी इंटरेस्टेड हो तो मैंने मेरे सीरीज चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ा है। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।